तो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने G20 समिट को लेकर पुतिन का मजाक उड़ाया है। उन्होंने G20 को G19 कहकर संबोधित किया। जेलेंस्की का यह बयान तब सामने आया है कि राष्ट्रपति पुतिन ने G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। तो जेलेंस्की ने पुतिन का मजाक उड़ाया क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पुतिन नहीं पहुंचे, उनकी तरफ से रूस के विदेश मंत्री वहां पर पहुंचे हैं। और इसी को लेकर जेलेंस्की ने G20 समिट को G19 समिट कहकर पुकारा। जेलेंस्की ने पुतिन का बनाया मजाक। ये सिर्फ एक एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1,00,000 तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। G20 समिट से पहले पुतिन पर प्रहार, पुतिन को चारों ओर से घेरने की तैयारी। दुनिया के 20 प्रभावशाली देश जिसमें भारत, चीन, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश इंडोनेशिया की राजधानी बाली में इकट्ठा हो रहे हैं। इसका मकसद दुनिया में शांति और सबके सहयोग से धरती को बेहतर बनाने की कवायद होगी। ये बैठक G20 देशों की है जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल। ये सभी सदस्य मिलकर दुनिया की GDP का 85% हिस्सा बनाते हैं। लेकिन इस बार इंडोनेशिया की राजधानी बाली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन से रूस ने खुद को बाहर कर दिया। G20 शिखर सम्मेलन में पुतिन के नहीं शामिल होने पर जेलेंस्की ने एक तरह से उनका मजाक बनाया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने G20 को G19 समिट कहकर संबोधित किया। Що таке присутність нашого прапору? Коли є український прапор, є цивілізованість, є свобода, є соціальне забезпечення, є інфраструктура, є безпека, є кому дбати про людей, є все те, що зникає. А Путін G20 шикар саммелен ме кьо хисса не ле рехе? Іске піче кай каяс лагає жа рехе. Сабсе пехлі вجа то є е, кі G20 саммит ме Рус Юкрейн ка мудда ут сакта е, жисте Путін бачна чаате е. कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वो सार्वजनिक रूप से होने वाली बेइज्जती से खुद को बचाना चाहते हैं। तुलना में जेलेंस्की G20 के नेताओं के साथ लॉबिंग करने में ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। रूस पहले उन देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है जो अमेरिकी दबदबे के खिलाफ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस यूक्रेन युद्ध की निंदा हो रही है, पुतिन इससे भी बचना चाहते हैं। लेकिन G20 शिखर सम्मेलन में पुतिन का शामिल नहीं होना यूक्रेन को G20 देशों के करीब ला सकता है और इसके लिए जेलेंस्की हर उस मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे रूस के खिलाफ एक बड़ा सहयोग हासिल कर सके। यानी साफ है कि एक तरफ जहां पुतिन अपने गिने चुने सहयोगी देशों के साथ यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ जेलेंस्की दुनिया भर से अपने लिए मदद इकट्ठा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि युद्ध का नया मोर्चा तैयार हो सकता है और रूस यूक्रेन युद्ध में कई और देश शामिल हो सकते हैं।